नमस्कार दोस्तों, बोल्सकाई में आपका स्वागत है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे दांत पीले पड़ने लग जाते हैं, ऐसा खाने की बदौलत होता है जो ब्रश करने पर साफ भी हो जाता है। हालांकि कई बार दांतों पर काले निशान पड़ने लगते हैं और दांत धीरे धीरे काला पड़ने लग जाता है। ज्यादातर लोग इस समस्या को आम समस्या मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि दांत काले क्यों होते हैं और दांतों का कालापन कैसे दूर किया जा सकता है। दरअसल दांतों के कालापन होने के दो कारण होते हैं, बाहरी, इसमें दांतों को बाहरी रूप से क्षति होती है जिसमें टॉर्टर, स्टेनिंग या डेंटल इनेमल को प्रभावित करने वाले अन्य चीजें होती हैं। दूसरा होता है अंदरूनी, ये दांत के अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ बढ़ती है। इसका कारण दांत के भीतर मौजूद कंडीशन के कारण सड़न और नुकसान पहुंचता है। आमतौर पर दांतों का कालापन एक रात में नहीं होता, इसमें समय लगता है। दांतों के नुकसान बढ़ने से पहले डेंटिस्ट से सलाह लेना जरूरी है। तो चलिए अब बताते हैं कि दांतों का कालापन कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का उपयोग। दांतों की साफ सफाई और कालेपन को दूर करने के लिए आप फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक दिन में दो बार फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट करने से दांतों का रंग निखरने लगता है। फ्लॉसिंग या इंटरडेंटल ब्रश, यदि आपके दांतों का रंग बदल रहा है, खासकर काला पड़ रहा है, तो आप दिन में कम से कम एक बार फ्लॉसिंग या इंटरडेंटल ब्रश का उपयोग कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। अपनी डाइट में फल, सब्जियां और साबुत अनाज को शामिल करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के साथ साथ दांतों के लिए भी बेहतर होती है। इसके लिए आपको शुगर वाली ड्रिंक जैसे चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, ये दांतों के रंग को काला करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके साथ ही दांतों में बैक्टीरिया होने का भी खतरा रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।